करें। उस समय जंगल था तो वहां गुरु जी गए, कुछ साधना का दृष्टिकोण से गए तो वहां देखा एक बहुत आदमी बड़ो बुढ़ा सब दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं और ऐसा बैठा हुआ है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उसने गुरु जी वहां पहुंचे तो गुरु जी ने देखा कि उनको प्यास लगी है तो पानी के लिए ढूंढ रहे थे। उस बूढ़े आदमी ने गुरु जी को ढूंढ के क्या ढूंढ रहे हो तो उसने गुरु जी ने कहा कि मुझे पानी चाहिए। उसने एक गिलास पानी गुरु जी को पीने के लिए दिया। गुरु जी कहते हैं कि उस पानी का ऋण उसको चुकाने के लिए गुरु जी ने कहा तुम कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो। तो उसने मौन रहा, आंखों से पानी आते रहा और गुरु जी उसको गुरु जी के सामने रोने लगा। उसने कहा बताओ भाई तुम कहाँ से आए हो। तो वो कहा कि मैं राजस्थान महेंद्रगढ़ से आया हूँ, मैं बहुत बड़ा रईस था लेकिन सब कुछ मेरा जहाज में आते आते डूब गया, मैं गरीब हो गया, घर में कुछ भी नहीं रहा, मेरे सभी लोगों को छोड़कर भैया भाग कर आके इस जंगल में यहाँ रह रहा। ऐसा गुरु जी से उन्होंने कहा और रो रहा था। गुरु जी ने जब उसको देखा बोले उसको उसने पानी पिलाया उसका ऋण कैसे चुका लेगा। गुरु जी ने कहा कि ये देख मैं एक पान का पत्ता लेके आया, पान का पत्ता लेके आया और गुरु जी ने उसके ऊपर धन्य यक्षिणी यंत्र को गंध से निकाल कर कहा ये पत्ता तेरे पास रख ले और तुझे जो चाहिए तू बोल ले, तेरी सारा तेरा सारा कष्ट दूर हो जाएगा, तू धनवान बनेगा। उसने कहा इस जंगल में सब कुछ छोड़ के आया डूब गया, एक आदमी कोई है और ये बोल रहा है कि मैं धनवान हो जाऊंगा, कैसे धनवान हो जाऊंगा। वो बैठे सोचते हुए बैठ गया और लेकिन उसने भक्ति के साथ उस पान को नमस्कार किया। गुरु जी आई गई बात हो गई। 3-4 साल के बाद गुरु जी एक बार अपने ही जोधपुर आश्रम में बैठे थे। गुरु जी ने कहा एक आदमी बड़ा सूटकेस लेकर आया, आकर कहता था कि गुरु जी से मिलना है। गुरु जी बोले किस लिए मिलना है, नहीं मुझे मिलना है। वो आया तो गुरु जी से कहा गुरु जी क्या आपने मुझे पहचाना। गुरु जी ने कहा नहीं भाई मैं नहीं पहचाना, बहुत साल हो गए, क्या बात है। तो गुरु जी मैं एक घटना सुनाता हूँ आपको कि आपने मुझे एक पार्टी पत्ते पर एक यंत्र दिया था और वो मुझे दे देकर आप चले गए। उसके बाद हुआ ऐसा कि मैं यहाँ उस महेंद्रगढ़ पर्वत पर जंगल में बैठा करता था तो वहाँ लोग पिकनिक के लिए आते थे। आने के बाद लोग आने के बाद वो सोचते थे कि खाने के लिए तो सब लाते थे लेकिन उनके पास पत्थर वगैरह कुछ नहीं रहती थी। तो इसने क्या उसको पूछा भाई क्या पत्थर मिलेगी, तो इसने क्या करा प्लास्टिक पत्थर से पत्थर बनाकर दिया। एक पत्थर बनाकर धनवान लोग थे पिकनिक मनाने वाले, एक पत्थर के लिए 100 रुपये दे दिए एक ने, वैसे 10 लोग आए 100 के 10,000 हो। अब उसको ये लगा कि ये लोग तो आते हैं यहाँ उनको पत्थर नहीं मिलता और पानी नहीं मिलता, वो केवल नीचे झरने से पानी लेके आता और पत्थर लेके आता। ऐसा उसने कहता है कि 1 महीने के अंदर गुरु जी मैंने 1,00,000 रुपए कमाए केवल पत्थर के ऊपर। और उसके बाद मैंने वहां के देखा और जहां जहां जंगल में मंदिर होता है गुरु जी आज भी मेरे वो पत्थरों की और पानी की दुकान है, आज मैं सबसे करोड़पति हूँ और आपको मैं देने के लिए दक्षिणा 1 करोड़ रुपए लाया हूँ। ये 3 साल में उसने किया। आपको कहता हूँ जब तक धंधा चलना है विश्वास करते हो तो उस धनलक्ष्मी यंत्र को रखकर देखो, आप भी ऐसे ही बने ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। जो आपने आज साधना की है साधना संपन्न की है आपके हर धंधे में हर व्यापार में आपको उन्नति मिले, आप अग्रसर हो आगे बढ़े ऐसी आशीर्वाद रखता हूँ। आज चंद्रमोहन जी ने यहाँ जो साधना उनके परिवार के लोगों ने की है, यह परिवार आप उन सभी के ऋणी हैं जो आपकी साधना की है। आज तक मैंने देखा है कि जिन्होंने भी शिविर संपन्न किया, मैं बड़े गुरुदेव जी की बात कर रहा हूँ, मैं अभी उनके दूसरों के बारे में नहीं, बड़े गुरुदेव जी ने जितने लोगों के भी के हाथों से शिविर किया है आप सभी लोगों को देखो गुरु बन के बैठे हुए हैं या तो मेरे से पकड़ कर सभी गुरु बन के बैठे हुए या आश्रम लेकर बंधे हुए और अच्छे खासे बैठे हुए। गुरु ने किसी का ऋण नहीं रख लिया। जो शिविर करता है गुरु जी का है, गुरु जी का कहना था कि वो ज्ञान दान करता है, आप अन्नदान करो खाके हजम हो जाएगा, पैसा दे दो खर्च हो जाएगा, लेकिन ज्ञान एक है खर्च नहीं होने वाला। और जिसने शिविर किया उसके 7 पीढ़ियों तक कोई मूर्ख नहीं होगा और ज्ञान दान नहीं। यह गुरु जी का कहना था, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आगे की जो सामर्थ्यवान गुरु हो जिसके वचनों में सिद्धि हो जिसके पास तपस्या हो जिसने साधनाएं संपन्न की हो, अगर ऐसा व्यक्ति जो शिविर करके प्रसन्न होता है तो मैं कहता हूं कि उनके उस शिविर करने वालों के और उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी ना पड़े। मैं चंद्रमोहन जी के परिवार और उनके साथियों को जिन्होंने भी शिविर किया है उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी ना हो और उनकी मनोकामना पूर्ण हो ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं। शिविर करना ये मामूली बात नहीं है क्योंकि उसकी उत्तर हम मैंने देखे, मैंने 5 शिविर हैदराबाद में किए, इससे बड़े 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 गुरुदेव के रहते हैं मैंने किए हैं। और आज आपको मैं जो सामने देखता हूँ गुरु जी ने किसी का ऋण नहीं रख लिया जो शिविर किए हैं, ये बड़े गुरुदेव की बात कर रहा हूँ मैं।
आज बड़े गुरुदेव से जितने जुड़े हुए साधक हैं, आप देख सकते हैं कि वो लोग किसी न किसी प्रकार से या तो गुरु बने हुए हैं या तो संपन्नवान हैं, उनके जीवन में कुछ कमी नहीं है, गुरु ने उनका ऋण नहीं रख लिया। इसी प्रकार मैं कहता हूँ, जो गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, आप कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो गुरु मंत्र की चार माला और श्रद्धावान जिसे गुरु जी का दिया हुआ यंत्र है उसके ऊपर श्रद्धा कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, आपके पास दरिद्रता नहीं होगी, आपके पास दरिद्रता नहीं आएगी, लेकिन आपको श्रेष्ठता के साथ उनके प्रति समर्पित होना जरूरी है। अभी फिर एक बार मैं आप सभी को गुरु मंत्र की दीक्षा देता हूँ, ताकि नए पुराने जो भी लोग हैं ये रिन्यूअल, जैसे लाइसेंस खत्म हो जाए तो रिन्यूअल कर सकते हैं, बार बार भी कर सकते हैं, कितने बार भी गुरु मंत्र लेना कोई गलती नहीं है। मैं फिर एक बार गुरु मंत्र की दीक्षा दे रहा हूँ, आप सब लोग गुरु मंत्र की दीक्षा ले रहे हैं।